राजनीति पे, ये दुशासन पे। अरे बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई ना। हम तेलंगाना स्टेट से आए हुए हैं, कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग तेलंगाना एक्सप्रेस में आए हुए हैं। कल आए हैं हम यहाँ पर, आज भी और आ रहे हैं। आज जो ये रामलीला मैदान में ये चेतावनी रैली चल रही है, देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। इस चेतावनी के रैली के तरफ मोदी जी ने जरूर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये चेतावनी रैली है और 6 महीने के अंदर बाहर उन्होंने इलेक्शन में जाने का है। अगर आप इलेक्शन में जाने का है तो NPS के बारे में OPS फिर और फिर एक बार जो लागू करने के लिए जरूर सोचना पड़ेगा। अगर OPS और एक बार फिर से लागू करने का नहीं सोचे तो आप फिर और में नहीं आएंगे। जरूर आपको हटाने के लिए ये देश भर से आए हुए और राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो लोग जरूर वो डिसीजन लेंगे। और एक बात, ये पेंशन जो है गवर्नमेंट की या सरकार की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की दया दाचन की बात नहीं है, ये कर्मचारियों का हक है। 40 साल 35 साल ये लोग पूरे राज्य के और देश के सेवा में निमग्न होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कैसे जिएंगे? उनका फैमिली के लिए कुछ आसरा चाहिए ना, इसीलिए तो उनका हक के साथ ये पेंशन दिया गया है। अब ये मोदी जी ने आने के बाद हक पेंशन के बारे में जरूर सोचना, अगर नहीं सोचे तो अब गद्दे पे से अब वापस चले जाना। सर अगर बात करें तो पुरानी पेंशन होना, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सिर्फ कर्मचारी को ही NPS दिया जाएगा कि नेताओं को भी दिया जाएगा, सांसदों को भी दिया जाएगा? पूरे जितने लोग देश में है, स्टेट्स में, राज्यों में, NPS की बात कर रहा हूँ। NPS जो NPS के दायरे में जैसे आप लोगों की सरकार कर रही है, इसके बारे में सिर्फ आप लोगों पर लागू होगा क्यों उन लोगों को भी लागू होगा? ये NPS तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू कर रही है, वो तो बात हुई है ना। हमें NPS नहीं चाहिए, हम OPS चाहिए। पहले जो वाला ओल्ड पेंशन था वो चाहिए, हमें NPS नहीं चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इसमें कमी है NPS में? अरे बहुत कमी है। एक बात पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो कर्मचारी 35 साल के बाद ये रिटायर होने वाला है ना, वो रिटायर होने के बाद कम से कम उसे 50,000 रुपये पेंशन मिलेंगे एक टीचर के लिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ। लेकिन अब जो NPS में है 5,000 का पेंशन भी नहीं मिल रहा। हम ये मांग रहे हैं कि मिनिमम गारंटी होना चाहिए पेंशन के लिए। अगर NPS में मिनिमम गारंटी नहीं है तो गारंटी आप नहीं देने वाले रहे तो गद्दे के ऊपर बैठने का क्या हक है आपको? हक नहीं है, इसीलिए हट जाना चाहिए। हट जाने से पहले एक सोचना कि NPS रद्द करना और OPS लागू करना, नहीं तो ये देश के कोने कोने से ये लाखों लोग यहाँ उपस्थित है, वो लोग जरूर एक निर्णय लेके आगे चलेंगे और मई में जो इलेक्शन होने का है वो इलेक्शन में मोदी जी को जरूर हटाएंगे। ऐसे में क्या लगता है NPS को लेकर? सरकार कहती है NPS बहुत अच्छा है, इसके बारे में आपको क्या कहना? मैं एक बात आपको समझाता हूँ, NPS जो UPA 2 गवर्नमेंट में जो थे, ये NDA के सपोर्ट से ही NPS को लागू किया गया है। जब राज्यसभा में सीताराम येचुरी ने ये क्वेश्चन किया, एक प्रश्न पूछा गवर्नमेंट से, जब NPS बहुत लाभदायक है तो ये जो सैनिक है या डिफेंस वाले है, ये डिफेंस लोगों को क्यों नहीं लागू कर रहे, ये प्रश्न पूछा। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से उसको समाधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत प्रभावकारी है, इसीलिए डिफेंस के एम्प्लॉयज को नहीं लागू करी है। जब डिफेंस के एम्प्लॉयज को लागू करने से नष्ट पहुंचता है तो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लागू करने से भी नष्टदायक होता ना, तो इसीलिए ही NPS को जरूर रद्द करनी चाहिए। ऐसे में सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या कहने आपका? क्या विकास हुआ कर्मचारियों का कि नहीं? फिर भी आप मैं मेरे मुंह से, मेरे जबान से सुनना चाहते हैं, वही है ना, क्योंकि सबका विकास बोल रहे हैं। क्या विकास? इससे पहले ही मैं बताया था, एक रिटायर होने वाला टीचर को जब OPS में 50,000 मिल रहे थे, अब 5,000 भी नहीं मिल रहा, ये विकास यही है क्या? सोचना चाहिए।
जब 50 के जगह में 5,000 भी नहीं मिल रहे तो उसको विकास कैसे कहेंगे? ये क्लियर कर दिखाना और इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या होना, ये बात पूरे जन आंदोलन के रूप में ये और बढ़ते जाएगा ये आंदोलन। ऐसे ही आने वाला चुनाव है, सरकार उसमें गुनगा रही है 9 साल बेमिसाल, यानी 9 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया, क्या कहना है? बहुत बहुत जरूर ये गुनगा रही है ये, क्योंकि ये सबका विकास नहीं, उनका दोस्त के विकास के लिए सोच रही है मोदी का गवर्नमेंट, अदानी अंबानी के विकास के बारे में सोच रही है, लाखों प्राइवेटों का भी नाम आता है, अरे सबको बेच डाल रहे, रेलवे को बेच दे रहे, LIC को बेच दे रहे, हाँ एयरपोर्ट को बेच दे रहे, पूरे और क्या है सी पोर्ट को बेच दे रहे, ये क्या है, यही है क्या विकास? किसको बेच रहे? अदानी को और अंबानी को बेनिफिट के लिए जो काम कर रहे ना, वो जन के लिए कैसा विकास होगा? वो विकास नहीं है, केवल उनके विकास, उनके दोस्तों के विकास के बारे में सोच रहे और वो गद्दे पे बैठने के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इतना ही, वो नहीं चाहिए। तो 2024 में कैसे देखते हैं? बहुत नज़दीक आप तो आ गया। देखो जनता को ऐसी सोचना है कि पूरे अपन जो बात बोले वो बात को सुनते हैं और सर ऐसा ऐसा बोलते हैं अपने लिए ही, मन की बात ही बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मन के बारे में जो मन में जो है उनको जो करने का है वो जरूर करेंगी जनता, इसीलिए जनता बहुत सोच रही है। वो रोजगारी वाला, आज हम दिल्ली में सुबह ऑटो में आ रहे थे, क्या दीवाने काम कर रहे हैं लोग, बल्कि बोल रहा था वो ऑटो वाला, ये योगी वैसी कर रहा है वो मोदी वैसी कर रहा बोले, इसीलिए ये योगी वो मोदी वो, जनता को जो विकास करने का वाला ही अब आइंदा गद्दे पे रहेगा, नहीं तो गद्दे से जरूर हटना पड़ेगा, हटाएंगे भी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जंतर मंतर रामलीला मैदान में? मैं देने का बोलने का बात एक ही है, ये केवल हमें ये वेतन बढ़ाने के लिए और वेतनों के लिए आंदोलन नहीं है, ये वो समाज के लिए, समाज में जो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हुए सो वाले हैं, जब 2014 से लागू किया हुआ यह है ना, 2004 से जो NPS लागू किया गया है वो NPS रद्द होना ही ये सब लोगों का OPS डिमांड है और OPS को